economic life. The main occupation of the people was agriculture and rearing of animals. The main occupation, इनका main व्यापार क्या, धंधा क्या है? खेती और जानवर पशुपालन. The Harappan grow wheat, barley, pulses, rice, sesame, mustard, linseed and peas. ये क्या क्या उगाते हैं? चावल, गेहूँ, जौ, दालें, सीसेम और मस्टार्ड, राई, सरसों और अलसी और मटर. द प्लग, प्लग क्या है? हल. द प्लग ए न्यू टूल वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू ट्रेन टू सोइल. मिट्टी को खुदाई करने के लिए उन्हें क्या बनाया? प्लग बनाया, लोहे का हल बनाया. Probably stored water was used for irrigation as rainfall was sandy in these areas. Probably stored water, क्या करते थे? पानी इकट्ठा करते थे. पानी रेन वाटर को इकट्ठा करते थे काहे के लिए? इरीगेशन, सिंचाई के लिए. जब है ना बारिश कम हो जाते हैं, उस बारिश खत्म हो जाता है ना, ये लोग क्या करते थे? टैंक बनाकर पानी को इकट्ठा करते थे. द हरप्पन वीवर्स वर गुड इन मेकिंग फाइबरिंग. हरप्पन में जो टेलर है, जो सिलाई करने वाला, ये लोग है ना फाइबरिंग का काम बहुत अच्छे करते थे. दिस वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दी स्पिंडल्स दैट हैव बीन फाउंड. वहाँ में ना जो स्पाइन करने का धागा बनाने वाला मशीन भी उनको मिला है. ऑल्सो दी बस्ट स्टेच्यू ऑफ द बियर्ड प्रीस्ट इज शोन आज वियरिंग ए शाल. आपने देखा ये है ना बियर्ड कौन है? पादरी पुजारी है. इन्हें क्या पहन रखा है? ये देखो एक शाल ओढ़ रखा है इन्हें. एनिमल्स लाइक ऑक्स, बफेलो, शीप एंड गोट वेयर डोमेस्टिकेटेड बाय द हरप्पन्स. एनिमल्स जैसे पशु, कौन कौन से पशु को पालते थे ये? जैसे बैल, भैंस, भेड़, बकरी, और इनको पालते थे. द कव वॉज नोन एज द यूजफुल एनिमल. गाय क्या है? इनका यूजफुल, उपयोगी पशु थी. दे इवन कोट फिश एंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटीलोप. ये लोग क्या है ना वाइल्ड एनिमल्स को और मछली को पकड़ते थे और इनके भोजन के लिए. अदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ हरप्पन वेयर पॉटरी, मेटलगरी, सील मेकिंग एंड ट्रेडिंग. और क्या करते थे ये? मड़का बनाते थे, धातु का सामान बनाते थे और सील बनाते थे और व्यापार करते थे. द हरप्पन हार्ट कॉमर्शियल रिलेशन विथ साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. द हरप्पन क्या है? साउथर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया से दक्षिण भारत और पश्चिम पूरा भारत से इनका व्यापार चलते थे. एंड ऑल्सो अदर कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया का दूसरे देशों में भी इनका व्यापार चलते थे. ट्रेड वॉज कैरीड ऑन बोथ बाय लैंड एंड सी रूट. और ट्रेड क्या है? व्यापार कहाँ चलते थे? जमीन और नदी दोनों के तरफ से इनका व्यापार चलते थे. द इंडस सील हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया. इंडस सील, सील भी वहाँ पर पाया गया, मेसोपोटामिया में पाया गया. आर्ट्स एंड क्राफ्ट. ए ब्राउन सी फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल हैज बीन फाउंड एट मोहनजोदड़ो. ये ब्राउन सी फिगर, देखो यहाँ पे सामने एक लड़की खड़ी है. कौन सा है? ब्राउन सी फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल हैज बीन फाउंड एट मोहनजोदड़ो. हेयर फीट बिलो दी एंगल आर मिसिंग. उसके जो पाव है दिखाई दे रहा है. वन ऑफ दी स्टोन स्टेच्यू शोन ए बियर्ड नोबल मैन और ए प्रीस्ट. या तो ये एक राजकीय आदमी है या तो ये पुजारी है. क्या पहन रखा है इन्हें? वियरिंग ए शॉल. इस आई सर्क अप क्लोज. उसका आंग कैसा है? आधा बंद है. द फिगर ऑफ ए मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स पेंटेड ऑन पोटरी शो द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द पीपल. द फिगर ऑफ ए मैन, आदमी का या जानवर का या चिड़िया का क्या है?
फोटो जो है, पिक्चर जो है, काय में बना रखा है, पेंट एंड पोट्री मडकों में, शो द आर्टिस्टिक स्किल, उनका जो कला उसमें दिखाई दे रहा है। द पॉट्स मीन फॉर डेली यूज वेयर, प्लेन पॉट्स विच वेयर यूज फॉर प्रिजर्विंग वेलेबल थिंग्स वर ग्लेस एंड हैड ब्यूटिफुल डिजाइन इन ब्लैक, बीड्स वेट एंड ब्लेड वर द स्ट्राइकिंग फाइंड ऑफ हरप्पन सिटीज। जैसे जो मड़के बर्तन जो बनाया, जो है प्लेन है, उनका काम के लिए जो मड़का बनाता था वो प्लेन में था, और उसमें जो वेलेबल चीज रखता था उसमें डिजाइन वगैरह बना के वो रखते थे। द सील्स, मोर दैन 2000 सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द वेरियस साइट, कितना 2000 सील्स। द सील रेक्टेंगुलर इन शेप, द सील्स कैसे आकार में था, रेक्टेंगुलर था, इन शेप एंड मेड ऑफ टेराकोटा एंड सॉफ्ट स्टोन, कैसे बना हुआ है, टेराकोटा और सॉफ्ट स्टोन से बना हुआ। द मोस्ट इंटरेस्टिंग सील इज दैट ऑफ पशुपति, सबसे ज़्यादा मेन चीज कौन सा है, मेन सील जो है पशुपति है। ए पर्सन अपियरिंग लाइक द लॉर्ड शिवा ही सीटेड इन ए योगिक पोस्टर, क्या कौन बैठा है, लॉर्ड शिवा कह में बैठा है, योगिक पोस्टर में बैठा हुआ है। द देवती इज सराउंडेड बाई एनिमल्स, देवता है तो जानवर होंगे, उनके चारों तरफ कौन बैठा है, जानवर है। सम सील्स बियर द फिगर ऑफ एनिमल्स लाइक द बफेलो बुल टाइगर एंड एलिफेंट, कुछ जो फिगर है, सील का फिगर क्या है, जैसे पेस बुल टाइगर एंड एलिफेंट। द सील्स थ्रो लाइट ऑफ रिलीजियस बिलीव ऑफ पीपल, ये क्या बताते हैं, इनका धर्म के बारे में बताते हैं। फ्रॉम द फिगर ऑन द सील वेयर कम टू नो द फिदेस ड्रेस एंड ऑर्नामेंट ऑफ द पीपल, वो लोग क्या है, उनका फीचर बताते हैं, जैसे जो है फीचर जो उनका जो आकार है, ड्रेस है उनका जो पोशाक जो पहनते थे और उनके आभूषण जो पहनते उसके बारे में दर्शाते हैं। द सील वेयर प्रॉब्ली यूज टू स्टाम्प द बैग विच कंटेंट गुड बींग सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो येलो सील जो था वो सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, उसमें सील करके भेजते थे। रिलीजियन धर्म, नो टेम्पल और श्राइन हैव बीन डिस्कवर्ड, ना तो वहाँ कोई मंदिर था ना कोई मतलब ऐसा कोई इमारतें नहीं थे, बट मैनी क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडस हैव बीन फाउंड, वगैरह पर देवी देवताओं को बहुत सारे मूर्तियाँ थे। द पशुपति द फिगर अपियरिंग लाइक लॉर्ड शिवा वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ हरप्पन पीपल, जैसे लॉर्ड शिवा का मूर्ति, जैसे माता ये गोडस मदर गोडस, हरप्पा हरप्पन वर्शिप्ड ट्रीज एंड एनिमल्स, और ये पेड़ और जानवरों का भी पूजा करते थे। स्क्रिप्ट, द आर्ट्स ऑफ राइटिंग, द हरप्पन हैड डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग, ये लोग लिखना भी सीख लिया था। देयर स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोरियल, किस भाषा में था, पिक्चर से ये दर्शाता था। नियरली 400 साइंस हैव बीन फाइंड, कितना साइन था, 400 साइन था। द हिस्टोरियंस हैव नॉट बीन एबल टू रीड द स्क्रिप्ट, और हिस्टोरियन जो भी इतिहास था उनको ये साइन पढ़ना नहीं आता था। द फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन, ये किस तरह से गिर गया, द सिविलाइजेशन केम टू एन एंड ऑफ 1500 BC, देर आर मेनी थियरीज अबाउट द फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन। ए सम राइटर्स बिलीव दैट दीज सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाई द इन्वाडर्स हु कुड हैव बीन द आर्यन, ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्यन आया था उन लोगों ने इसको नष्ट कर दिया होगा। बी अदर्स आर of the opinion that the civilization could have been destroyed by the natural disasters like earthquake or flood, या तो फिर बाढ़ आया होगा या भूचलन हो गया होगा उससे ये नष्ट हुआ होगा। It is also possible that the river might have changed their courses, जो नदी है उल्टा बहने लग गया होगा उस तरह से। The result was this region turned into a desert, उस जगह पर क्या हो गया,
पानी बह गया होगा, पानी निकल के उसके जगह से निकल गया होगा तो क्या बन गया, वहाँ रेत ही रेत बन गया, तो वहाँ रेगिस्तान बन गया।